कितने संगठन 1987 तक कितने संगठन इस संगठन में तो बन दिए, में भी परेशानी है। एक है जो आदमी बुलेट की सवारी कर ले फिर भी की पे आ जाए उन पर राहत जाता नहीं, और मारे तो दोनों हाथ तुम लड्डू भाई इतने जिंदा है थारी लड़ाई लड़ू जाओगे, और मर गए कहीं कहीं मर गए इस आंदोलन में कहीं इसमें, फिर भी शहीद का ही गद्दार जमी लगा हमें गद्दार निकाह जाने का। जो कुछ भी निर्णय होगा अरे जिक्र करेंगे सर, मेरे तो जीवन की बात है भाई, तुम थम जाओ मर लाने के है तो तुम कर लो भाई सुनो खबरदार फालतू बोलने की बात करी, मैं अपने यहां जम्मू के अपने आपका अपने दिल की भी बात नहीं कह सकता, मैं पीड़ा है भाई कोई आदमी इब लोग हम पी गए इस जहर के भूत को, अगर कोई आदमी इस तरह की गलत फहमी न बढ़ जाइयो प्रदेश परिवार पर कोई अंगली उठाने वाली बात करते हुए अंगली काट दी जाओगी। किसानों की समस्या हमें भी बाजी बेरिया नहीं भी हो रहा था भाई छोड़ दो रहा किस चक्कर में बढ़ रहे, पर आप लोगों की देख के बात फिर एक नई ऊर्जा पैदा हो जा, हमने भी अभी देख ली बात, सो मत दो दो चार आदमी खिलाफ भी बोल रहे आरोप भी लगावे में भी अपने ही है, मैं भी अपने ही है कोई बात नहीं, कहीं कुछ दिक्कत होगी होगी किसी का कुछ काम नहीं हुआ होगा तो मैं किसी न किसी रूप में अपना विरोध तो उजागर करेंगे, समय एक सा नहीं रहता, किसी समय में उन्होंने भी सहयोग करा क्या पूरा ऐसी बात नहीं, कोई समय आ जा जो थोड़े घने विरोध के सुर बोलने लगे, पर हम तो हमेशा यही सोचे हैं भाई किसी को कुछ कड़वी बात ना कही जा किसी को कुछ महसूस ना हो, काम धंधे की भी यही बात है जितनी भी बात है ठीक है सुन सुना तो कोई रहा नहीं, ऐसा ही सरकारी तंत्र हो रहा वो भी लोगों को महसूस है कि भाई हमले हमारे काम नहीं हो रहे, इस बात का भी गिल्ला ना मानो हो नहीं रहे काम, पर हम तो कुछ बात तो आप लोगों की अपनी है जो इस क्षेत्र की है आपस के रुख के रोड़े इन्हें काबू में करो, और तो हम हाथ नहीं आने के, हम तो इसी में फंस गए, दो पार्टी है दोनों फोन करवा दे बताओ क्या कहे, बहुत मुश्किल था दोनों को शांत करे फिर उन्हें इकट्ठे करे बतावे नहीं ऐसी बात नहीं, सरकार आप लोगों को भिड़ा रही बहुत बुरी तरह से भिड़ा रही, कितने संगठन 1987 तक कितने संगठन इस संगठन में तो बन लिए, मैं भी परेशानी है। एक है जो आदमी बुलेट की सवारी कर ले फिर भी इक्की पे आ जाए उन पर राहत हो जाता नहीं, आ जाएंगे मैं भी कहीं कुछ नहीं बात कहीं नहीं जाने के, जिन्होंने गलती करा खी जिन्होंने गलती करा खी संगठन को तोड़न की वे तो कामयाब होने के नहीं, उन पर तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मैं एक पानी का जहाज हो पानी का जहाज बहुत बड़ा हो बहुत बहुत लोगों ने देखा होगा फिल्म विल्म देख ले उस पर पक्षी बैठे वे पानी के ही पक्षी है, अपना जो कुछ उनके हाथों खुराक लगे में उन्हें कहीं ठिया नहीं मिलता, वे पानी पे उस पर ही बैठे जहाज पे ही, एक एक जहाज पर 500-700-700 हजार पक्षी बैठ ले तो उन्होंने हो जा जी बतम थारे पक चौखे हो गए उड़ने लायक हो गए, वे समुन्द्र के बीच पता उस जहाज पे तो उड़े, वे सोचे भाई कहीं और भी मिलेगा ठिया, उन्हें चुगर को पानी पानी दिखे ना, उन्हें कहीं पाटे कणका मिलता ना, उन्हें कहीं पेटा मिलता ना कहीं जहाज मिलता, तो मैं फिर न सोचे भाई वो ही बढ़िया थारा ठिया, फिर मैं वही आवे उसी जहाज पे
तो कितने भाई जिन्हें कहीं घूमना घूम आओ, ऐसा ठिया नहीं मिलने का। और मारे तो दोनों हाथ में लड्डू भाई, इतने जिंदा है थारी लड़ाई लड़ू जाएंगे, और मर गए कहीं कहीं मर गए इस आंदोलन में कहीं इसमें, फिर भी शहीद का ही दर्जा मिलेगा, हमें गद्दार नहीं कहा जाने का। हमें कितने आदमी नु कहते भाई, जब लोग हमें पता नहीं था, हम नु कह रहे थे भाई गद्दार कैसे हो भाई, कहने लग जाएगा पता, तो वाकई लग रहा पता लगन भाई, नाम तो हम उनका लेते नहीं, क्या पता क्या मौका अभी जाएंगे कहाँ जाएंगे भाज के, पर भाई गद्दारी ना करो, ये आदमी अपने घरों बैठ जाओ कोई बात नहीं। बात तो बहुत है, और जी बात आ जा कहनी भी चाह, लखीमपुर कांड, लखीमपुर कांड में सिसोली के 13 आदमी टैनी तक मिलन गए दिल्ली सिसोली के, ऐसे डबके हो गद्दार, ऐसे डबके गद्दार हो जो 13 आदमी सिसोली के टैनी तक मिलन गए हो वहां, और अच्छे परिवार थे हमें, फिर भी हमने ही कहे ऐसी बात नहीं, उनका सहयोग रहा पहले खूब बढ़िया, इब जा युवा पीढ़ी होगी उनका, और का किसी के साथ विरोध नहीं, उनका हमारे साथ विरोध है, कहना ये इनके धोरे आदमी आवे तम टेनी के धोरे जाके, हम तो हमने या जनता तो उन्हें भी माफ कर देगी, सिसोली टिकैत साहब की भूमि है, रघुकुल की भूमि है, इस तरह का काम ना करो, नहीं किसी का कुछ काम बनता तो जहर घोलन का काम ना करो समाज में, अगर यंग के आदमी उनता एक कख्त बुझल बुझल लेने के भाई क्या है बात, तम टेनी तक क्या लेने गए थे, तो उन पर जवाब नहीं बनने का, हो सके हमारे तो कुछ कहना मोटा विरोध हो। 6 सितंबर 2003 302 का मुकदमा लगा हमारे पे, हमने वो आदमी मारा नहीं भाई, ना हमें कुछ जरूरत थी ना मारा, उनने कुछ बेचारे ने बिगाड़ रखा था, हम भी उसने कहे उसका उनने मारा कुछ नहीं बिगाड़ रखा था ना मारा कुछ हुआ है, मैं तो सुबह ही पता लगा देहल बनी अपने परिवार का आदमी था, कितने ही आदमी 19 साल 10 महीने 11 दिन मुकदमा चलिया, कोई आदमी नु कहता हुआ गान का भाई हमने दिल में तो होगी बातचीत पर फैसला चाह होना, कोई आदमी अगवाणी मनिया, ठीक है न्याय व्यवस्था ने अदालत ने हम बरी करे, हम ज्यादा खुश नहीं हुए, हम ज्यादा खुश नहीं हुए, हमने अपनी वहां बना रखी थी बातचीत, गरीब मिलने चिलने वालों को सबने सुलह कर रखी थी, जो कुछ भी निर्णय होगा अरे जिक्र करेंगे सर, मेरे तो जीवन की बात है भाई, तुम थम जाओ, मन लाने के है तो तुम कर लो भाई, कर लो भाई, चलो तुम कर लो। चौधरी साहब वे तो पीछे बुला रहे थे, पीछे बुला रहे थे। सुनो खबरदार, फालतू बोलने की बात करी, मैं अपने आदमू के अपने आगे अपने दिल की भी बात नहीं कह सकता, मैं पीड़ा है भाई, नहीं को सुन अरे सुन जा तू, नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई आदमी 19 साल 10 महीने 11 दिन मुकदमा चलिया भाई, जी मारे पे मुकदमा लगा, हम एक साधारण आदमी थे,
कि क्या साहब जिम्मेदार थे। हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाना सोचते। हमारे पास सब कुछ साधन है, हम अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करते गलत। बहुत ताकत है आप लोगों में, जो कुछ भी चाहेंगे वो हो जाएगा, पर नहीं, हम आने वाले कल का फिक्र है। आज स्वामी देवी मंदिर है, किसान भवन है, मैं यही चाहूं बात, कोई आदमी इब लोग हम पी गए इस जहर के घूंट को, आगे कोई आदमी इस तरह की गलत फहमी ना बढ़ जाइयो, कदे इस परिवार पर कोई अंगली उठाने वाली बात करता हुए अंगली काट दी जाओगी। हम किस संघर्ष से, मारी माँ भी जी मारे पर मुकदमा हुआ बतानी तो सारी पड़े भाई, किसी को पता भी तो नहीं रहता। मारी माँ जी भी बीमार पड़ गई थी, जी भी बीमार पड़ गई थी, मर कहीं पंडा छूटा और वह कहने के बाद तुम कोई काम गलत ना करियो, तुम कोई काम गलत ना करियो, हमने कोई काम गलत नहीं करा भाई। हो सके किसी भाई को मारे तो कुछ कहनी मोटी कुछ बात होगी होगी, कोई मारा कोई इरादा नहीं, ना किसी की बेइज्जती करने का इरादा, ना किसी पता एक रुपया लेने का इरादा। कोई आदमी ने कहता हूं हमने कुछ तम कुछ दिया, आप लोग सम्मान बहुत सम्मान दे रहे, दिल की पीड़ा है कह दी, किस तरह तो बात ना, मैं किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की, बहुत घरों का दीवे नहीं बड़े उस दिन, चूल्हा नहीं चढ़ा जी, न्याय व्यवस्था नाम में बरी करे कहने पर थारे पर कुछ निर्दोष हो तुम, बहुत घरों का जिस आदमी की हिम्मत नहीं थी गांव में आने की उसका माड़ा लग रही, पर सब कुछ कारण लग रहे। हम तो फिर भी यही बतावे, चोर की सिड्डी पकड़ना वाला भी इतना ही दोषी हो, गलत आदमी का साथ ना दो। हम आप लोगों के साथ खड़े, तन मन धन तो आप लोगों के साथ है, अगर आप लोगों ने जवाब दे दिया तो टूट जाएंगे हम बिल्कुल टूट जाएंगे। थारा कोई 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 जिम्मेदार नहीं रहने का। फिर भी हम आप लोगों को यही कहे, आप लोग इसी तरह से संघर्षशील रहो। आज किसान बारूद के ढेर पे है, बाब अंतर का तो काम चल जाएगा, 2 रुपए कमती बत्ती भी हो जाएंगे। आप लोगों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ रहा हो रहा, असमत बचाने की बात है आप लोगों की। गन्ने का रेट भी है, 2 रुपए और भी घटा लो, चला लेंगे काम, यही चिक लो, पर आप लोगों की इज्जत दांव पर धरी, कुछ नहीं रहने का आप लोगों के पास में। हम बहुत आगे लोग का ज्ञान है, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरह से सबके विचार सुने, आप लोग आए, धन्यवाद।